आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, BHU एंट्रेंस के लिए और एडमिशन के रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन है, उसके लिए BHU इन्फोपीडिया आप सभी को असिस्टेंस देता है। असिस्टेंस बोले तो प्रिपरेशन में हेल्प, कुछ लाइव सेशंस के थ्रू, उसके अलावा जो एडमिशन से रिलेटेड जितने भी डाउट है, काउंसलिंग से रिलेटेड, यानी प्रिपरेशन से लेकर और आपके एडमिशन होने तक BHU इन्फोपीडिया आपको असिस्ट करता है। तो इसी क्रम में आगे चलते हुए, अभी फ़िलहाल क्योंकि BHU का जो 2021 सेशन के अभी एडमिशन चल रहे हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। कुछ के अभी एडमिशन बाकी है, कुछ के अभी डॉक्यूमेंटेशन बाकी है, अभी भी किसी का वेटिंग लिस्ट है, तो किसी को अभी भी कोर्स एलोकेट हो रहा है, जिस वजह से अभी हम पूरी तरह जो है नए सेशन के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया था और यूट्यूब पर भी इन्फॉर्म कर दिया था कि 2022 सेशन के लिए जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। फेबररी मिड तक करने का प्लान है कि कंटिन्यूसली हम शुरू कर दें, रोज़ की यानी डेली क्लासेस हैं और जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना है वो किया जाए। तो आज क्योंकि टेलीग्राम पे हमने आपको अपडेट दे दिया था कि रीजनिंग का कुछ स्टार्ट करते हैं क्लासेस, तो अभी क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, लाइक स्मार्ट बोर्ड वगैरह और प्रेजेंटेशन के लिए, तो अभी जो है लाइव सेशंस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो क्लासेस के हो या चाहे वो अदर आपके अपडेट के लिए हो। तो लाइव सेशन अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे आपके वीडियो जो अभी हम बना रहे हैं रीजनिंग के लिए स्पेशली। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सब कुछ समझाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, BHU और अदर यूनिवर्सिटीज़, अगर इनका CUCET अगर सभी का होता है CUCET तो भी, और अगर नहीं होता है तो भी, आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, आपको प्रिपेयर करना है अपना एग्ज़ाम के लिए, और जो भी आपका रिस्पेक्टिव कोर्स है आपका उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। लाइक अगर आप BA की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आपको जो नॉर्मल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह वगैरह, ये सब आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो मेजर सब्जेक्ट, जो चाहे CUCET हो, चाहे वो BHU का खुद का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो गया, और इसके अलावा क्वांट का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन, ये सभी तो आपको अटैम्प्ट करना होगा, इसकी प्रिपेयर आपको करनी होगी, चाहे CUCET हो या ना हो, आपको ये सब प्रिपेयर करना होगा। इसके अलावा फिफ्थ चीज़ जो है, अलग चीज़, वो आपके सब्जेक्ट हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स स्टडी करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, बैंकिंग, मैनेजमेंट वगैरह जो भी होते हैं आपके, वो आप मैम आपको बताएंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में तो आपको जो भी जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं सभी पढ़नी होंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हालांकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है पेपर्स के लिए, और मैक्सिमम आप हो सके तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात की थी तो करंट अफेयर्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में क्या है, देखिए आप उसे एज अ स्टडी मटेरियल लेंगे तो फिर वो आप उसमें ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर एज अ न्यूज़ लीजिए आप डेली, जैसे ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं या दूसरे चैनल्स पे आपको प्रोवाइड होते हैं, आप बस उन्हें एक बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये नहीं है कि आप अभी पिछले 2 साल की उठा के बैठ जाओगे और उसे पढ़ने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज स्टार्ट करेंगे तो आज से ही आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स का क्या है, यूट्यूब पे तो आपको हज़ारों चैनल मिल जाएंगे प्रोवाइड करेंगे, आप खुद अच्छा सा कोई सिलेक्ट करिए जहाँ अच्छे कंटेंट मिलते हो आपको, और इसके अलावा हम तो आपको कर ही रहे हैं, ठीक है। BHU इन्फोपीडिया न्यूज़ नाम से आप सर्च करोगे तो आपको करंट अफेयर्स का चैनल भेजेगा, और उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा हमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा आपको सूचना दे दी जाएगी, आपको BHU एंट्रेंस 2022 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है आज से ही, अगर नहीं की है तो आज से ही कर दीजिए। तीसरी बात कि रीजनिंग, हम आज आपको बेसिक थोड़ा बता देंगे कि रीजनिंग का क्या है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और आपको क्या करना है, ये सब बातें आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग होता क्या है ये आपको बता देता हूँ मैं। आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखे होंगे अपने बड़े भाई के, दोस्त के एग्ज़ाम्स में वगैरह वगैरह में। तो रीजनिंग एक्चुअली क्या है, रीजनिंग आपकी एक मानसिक जो क्षमता है आपकी, सोचने की क्षमता, डिसीजन की क्षमता और चीज़ों को परखने की क्षमता, उनमें जो, और आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस है उसको चेक करने के लिए रीजनिंग का टेस्ट जो है आपका होता है। कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, सभी में आपको रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, इसलिए इसे आप नकार नहीं सकते, आपको रीजनिंग पढ़नी है। और रीजनिंग का इकलौता कहते हैं की टू सक्सेस होती है ना, तो रीजनिंग में की टू सक्सेस है प्रैक्टिस।
आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में आपको, हालांकि आपका जो पेपर होगा सी यू सी टी हो या फिर बी एच यू खुद करवाए, तो आप उसको, उसमें आपको जो रीजनिंग और मैथ देखने को मिलेगी वो कुछ ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होगी। आप नॉर्मली अगर प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से बेसिक से लेकर और प्रैक्टिस तक अगर आप कंसिस्टेंट बने रहते हैं, तो आप आसानी से इन दोनों टेस्ट को जो है अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। रीजनिंग में देखिए, बता दिया मैंने रीजनिंग क्या है, क्यों है, और रीजनिंग रीजनिंग में देखिए आपको काफ़ी चीज़ें जनरल, जैसे हम कहते हैं कि सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान सिर्फ आपका हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं होता है। सामान्य ज्ञान में आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो है सामान्य, आप गणित के साथ में भी आपको समय बिताना होगा, इंग्लिश के साथ में भी समय बिताना होगा। और रीजनिंग में जो है इसमें आपको मैथ्स भी देखने को मिल सकती है। मैथ्स के अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप क्लियर करने होंगे, तो रीजनिंग में मैथ्स से रिलेटेड भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है। हालांकि आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और कंटेंट की बात करें, कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारी तरफ से। देखिए, रीजनिंग हम स्टार्ट करेंगे 6 तारीख से, यानी कल से। तो इसमें मैं क्या करूँगा, प्रेजेंटेशन बना दूंगा, पीपीटीज वगैरह, तो उसी में आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, जिसमें हाथों हाथ हम क्वेश्चंस, पहले तो थ्योरी करेंगे कि थ्योरी से आपको समझाया जाए कि कौन सा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हालांकि हम चैप्टर वाइज करेंगे सभी के सभी टॉपिक्स। रीजनिंग में आप मान के चलिए कि अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो 10 से 15 चैप्टर्स होंगे, और वो सभी हम चैप्टर वाइज ही करेंगे। पहला चैप्टर किया, उसकी प्रैक्टिस की, ऐसे करते करते सभी चैप्टर्स क्लियर कर लेंगे। कोई वास्ट टॉपिक नहीं है ऐसा इसमें कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको क्लियर करने में। 3 to 4 months लगेंगे इसको कंप्लीट रीजनिंग आपको समझाने में। उसके बाद सारा सब कुछ आप पे है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। कोई न्यू क्वेश्चन दिखता है रीजनिंग का, देख लीजिए, उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो हमसे कंसल्ट करिए। बुक्स बुक्स की बात करें तो रीजनिंग के लिए मेरे ख्याल से तो आपको अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कंटेंट इतना अवेलेबल है ऑनलाइन, इतना अवेलेबल है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कंटेंट हम आपको अवेलेबल करा देंगे। बुक अगर आप लेना चाहें तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। अरिहंत की एक बुक है रीजनिंग की, मास्टर रीजनिंग, और एक है हिंदी में है उसका वर्जन, तो आप उन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, वो मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है बेसिक से, आपको सब चीज़ें उसमें समझ आ जाएगी। हालांकि हम भी पढ़ाएंगे तो हम बेसिक से आपको सब समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बुक्स के लिए आप वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर देंगे। अरिहंत की बुक मेरे पास PDF अवेलेबल है, मैं आपको वो PDF दे दूँगा। दूसरी बात, रीजनिंग में हम पढ़ेंगे क्या, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस हिसाब के होते हैं। रीजनिंग अगर वो पूछता, क्यों पूछता है हमसे, वो क्या चाहता है, क्या एग्जामिनर जो है पेपर बनाने वाला वो हमसे क्या चाहता है। ठीक है, रीजनिंग देखो आपकी मानसिक क्षमता को चेक करने की, सिंपल सी बात है कि रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, मतभेद करना, उस आपके सामने कोई प्रॉब्लम दी आप उसको कैसे रिजोल्व करते हैं। ठीक है, क्या पक्ष है आपका, क्या विपक्ष है, ये चीज़ें। हालांकि इसमें मैथमेटिक्स को भी जोड़ दिया जाता है, इंग्लिश के भी रिलेटेड होते हैं इसमें। जैसे नॉर्मली जब हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, तो पहला चैप्टर हम सीरीज़ करेंगे, सीरीज़ का मतलब श्रृंखला। ठीक है, तो सीरीज़ में क्या होता है कि एक आपको एक सीरीज़ दे दी जाती है, कोई नंबर की या अल्फ़ाबेट की, नंबर की दे दी, मान लीजिए आपको सम संख्या की एक सीरीज़ दे दी 2, 4, 6, 8, तो आपको नेक्स्ट टर्म बतानी होगी कि इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, या फिर ये पूछेगा कि इतने भी टर्म क्या आएगी। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 है तो आगे आपको पता है 8 आएगा। हालांकि हमेशा 2, 4, 6 नहीं, बहुत सारी इसमें इक्वेशन रहेगी, वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको एनालाइज करना आ जाएगा। उस सीरीज़ को देखेंगे आप, एनालाइज करेंगे, आपके दिमाग में पता लग जाएगा कि क्या इसमें है, कैसे सोल्व होगा और कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें। रीजनिंग मैंने पहले बताया, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रीजनिंग का एक ही सोल्यूशन है कि आप इसे बेसिक से पढ़िए, अपने डाउट क्लियर करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, दैट्स इट। मैं आपको थोड़े टॉपिक बता देता हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या देखने को मिल जाता है आपको। जैसा पहले मैंने बताया कि पहला चैप्टर हम सीरीज़ करेंगे, तो सीरीज़ से ही बता देता हूँ आपको। पहले तो हम सीरीज़ पढ़ेंगे, इसके बाद में क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन चैप्टर है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, शेप्स हो गई, और या फिर कुछ प्लेसेस के नाम बता दिए जाते हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ये प्लेसेस हैं 3 और 4, इनमें से जो समानता रखते हैं आपस में वो तो ठीक है, और जो चौथा बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 4 जगहों के नाम दे दिए, उनमें से 3 तो है किसी ना किसी राज्य की राजधानी है, और चौथा जो है जो एक नॉर्मल शहर है वो कोई राजधानी नहीं है। तो चौथे को जो आप डिफ्रेंशिएट करोगे वही आपकी जनरल इंटेलिजेंस है, वही रीजनिंग है, और वही उसका आंसर है। बाकी हम आपको प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें आप क्वेश्चंस देखना किस तरह की है, और हम बताएंगे किस तरह से सोल्व होते हैं। इस तरह से हम आपको रीजनिंग क्लियर करवा देंगे। रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा कहें कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बुक, रोज़ प्रैक्टिस, और BHU इन्फोपीडिया, दैट्स इट।
मैं आपको स्लाइड पे दिखाऊँ, बीच बीच में मैंने स्लाइड ऐड की हुई है, आप स्लाइड देखते रहना। स्लाइड में मैंने बताया कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक रहेंगे और किस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन है, ये स्लाइड में आगे आपको दिखा रहा हूँ। इसी वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिखेगी सारी स्लाइड्स, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हालांकि ये कोई क्लास या सेशन नहीं था, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, इंट्रोडक्टरी वीडियो, कि आपको आगे कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। और आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई बैच भी ले रखा होगा, पेड बैच या पेड कोचिंग कर रहे होंगे कहीं ना कहीं ऑफलाइन, तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए। जितना ज़्यादा किसी टीचर से पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही आपको सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आप दिन में 2 घंटे या 3 घंटे कहीं पढ़ते हैं, तो उसका 1.5 गुना आपको खुद भी पढ़ना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है? तो टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, 6 तारीख को। वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और उसके लिए प्रिपेयर करना। पहला चैप्टर हमारा सीरीज़ रहेगा रीजनिंग में, इसके बाद में आपको रीजनिंग के अलावा पैरेलल चलेंगे हम सभी सब्जेक्ट्स को लेके, क्योंकि ये मान के चलिए कि आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रीजनिंग हम करवा देंगे आपको, करंट अफेयर्स की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जुड़े रहिए और दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एक टेलीग्राम जिसपे इसके अपडेट मिलेंगे आपको BHU इन्फोपीडिया 2022 के, और दूसरा BHU इन्फोपीडिया न्यूज़ करंट अफेयर्स के लिए, वो सही रहेगा। और करंट अफेयर कोशिश करेंगे, अभी तो फिलहाल स्टार्ट ही किया है ना, तो कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते में या 15 दिन में एक टेस्ट हो जाए, लाइव टेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करंट अफेयर्स बस आप डेली पढ़िए और वीकली या मंथली उसको रिवाइज़ कर लीजिए, इतना काफ़ी है। करंट अफेयर्स इंजॉय करिए, एज ए न्यूज़ लीजिए उसको, क्योंकि आपके आसपास ही तो हो रहा है ना, आपको आसपास का तो ज्ञान रखना ही पड़ेगा, ठीक है? ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।